हेलो माय फ्रेंड्स। तो अब हम ये लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। हम पेपर देख रहे थे सीबीजीएस वाला, ठीक है। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हम देख चुके हैं, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो थ्योरी बेस्ड हैं, ठीक है। तो आप उनको ईजिली कर सकते हो, ठीक है। तो हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यही क्वेश्चन 4th यूनिट से है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक मिक्सचर है एयर और वाटर वेपर का, ठीक है। और जो ऑक्यूपाई कर रहा है एक वॉल्यूम 650 m³ एट अ 1 bar प्रेशर, ठीक है, एंड 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 78% एंड वी हैव टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट, मास ऑफ एयर एंड वाटर वेपर इन द मिक्सचर, ठीक है। तो ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें दे रखी है और टेम्परेचर दे रखा है 35 डिग्री। तो 35 डिग्री सेल्सियस ये हमारा क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, PVS, ठीक है। तो आपको इसकी वैल्यू किस कहाँ से देखनी पड़ेगी, स्टीम टेबल से देखनी पड़ेगी। तो मैंने इसकी वैल्यू स्टीम टेबल से देख रखी है, मैं आपको एक बार देख के बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको एंड कर देता हूँ। जैसे तो ये 35 डिग्री सेल्सियस है, इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर आएगा वो आ जाएगा हमारा PVS, ठीक है। तो मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ, यहाँ से देखते हैं। तो ये हमारी स्टीम टेबल है, ठीक है। ये RS कुर्मी की है शायद, ठीक है। तो कोई भी हो आप स्टीम टेबल लेके जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो 35 डिग्री सेल्सियस हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके सामने जो प्रेशर दिया हुआ है कितना है, 0.05622, ठीक है। तो मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे दिखाई दे, ठीक है। तो ये 35 है, इसके सामने जो प्रेशर दिया हुआ है 0.05622, ठीक है। तो ये प्रेशर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम वापस से न्यूमेरिकल पे चलते हैं, ठीक है। तो प्रेशर हमें पता समझ में आ गया। तो अगर यूनिट 4 से न्यूमेरिकल आए हैं इस तरह का तो काफ़ी सिंपल होता है, आप इसको ज़रूर अटैम्प्ट करिएगा, ठीक है। तो PVS की वैल्यू हमने देख ली, ये कितनी आ जाएगी, 0.05622 bar। ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना दिया हुआ है हमें, 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो उससे हमसे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मांगी है, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को हम मैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये होती है हमारी 0.622 PV/P-PV, ठीक है। तो हमें PV नहीं पता है लेकिन हमें PVS पता है, ठीक है। तो PV निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का रिलेशन। तो फाई इज इक्वल टू, फाई क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये होता है PV/PVS, ठीक है। तो इसको इक्वेट कर देंगे तो PV की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, 0.78 इंटू PVS की वैल्यू कितनी है, ये वाली 0.05622। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको बहुत इजीली PV मिल जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 0.04385 bar, ठीक है। आपको PV पता चल गया, इसको यहाँ पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 0.622 इंटू PV की वैल्यू कितनी है, 0.04385 / 1 - 0.04385, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें W की वैल्यू मिल जाएगी, W आ जाएगा हमारा 0.002852 kg/kg ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का वैसे मतलब क्या होता है, देखिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि मास ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ मास ऑफ ड्राई एयर। देखिए जो भी एयर होगी, जैसे आपके आसपास जो भी एयर प्रेजेंट है उसमें कुछ वाटर वेपर जरूर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो उन वाटर वेपर जो प्रेजेंट हैं उसका मास अपॉन मास ऑफ द ड्राई एयर, ठीक है, वो होती है हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.02852, ठीक है। नेक्स्ट उससे हमसे पूछा है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब देखिए ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, ये जो PV आपने निकाला है इसके सामने जो टेम्परेचर लिखा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ तक आप ये वैल्यूज नोट कर लीजिएगा, तो मैं आपको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी देख के बता देता हूँ, ठीक है। होपफुली आपने नोट कर लिया होगा ये वाला स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर देखने क्या करते हैं, हम दोबारा से चलते हैं, ठीक है, दोबारा से चलते हैं हम स्टीम टेबल पे। हमारा प्रेशर कितना है, 0.04385, ठीक है। तो हम स्टीम टेबल पे चलते हैं, ये है स्टीम टेबल 0.043, ये देखिए 0.042 है और ये 0.044 है, तो इन दोनों के बीच में कहीं पे लाई करेगा 0.043। तो हमारा जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हो जाएगा वो 30 और 31 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो आप उसको मान सकते हैं, ठीक है। सपोज
30.5 हम उसको मान सकते हैं। तो हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना हो जाएगा 30.5, ठीक है। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना हो जाएगा 30.5, ठीक है। ये हो जाएगा 30.5 डिग्री सेल्सियस। और उसने पूछा है मास ऑफ एयर एंड वाटर वेपर इन द मिक्सचर, ठीक है। तो मास ऑफ एयर कितना हो जाएगा, ये हम यूज करेंगे हमारा जो इसका रिलेशनशिप होता है आइडियल गैस का, वो होता है PV इज इक्वल टू MRT, ठीक है। तो मास ऑफ एयर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो P है ये आपको क्या लिखना पड़ेगा, P-PV ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, V डिवाइड बाय R into T, बस इतना ही ध्यान रखिएगा, बाकी तो सिंपल है। P कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पे 1 bar, तो ये 1 minus PV आपने कितना निकाला है 0.04385, ठीक है, 0.04385। V कितना दिया हुआ है हमें, V दिया हुआ है हमें 650, ठीक है, 650। और R की वैल्यू कितनी होती है, R की वैल्यू होती है 287, ठीक है। फॉर एयर कितनी होती है 287, ठीक है। इनटू टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 35 प्लस 273, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको मास ऑफ एयर मिल जाएगा, ये आ जाएगा 7 पॉइंट, एक मिनट लेट मी सॉल्व दिस थिंग, ठीक है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 703.08, ठीक है। तो ये आ जाएगा 703.08 kg, ठीक है। तो ये हो जाएगा मास ऑफ ड्राई एयर। नाउ व्हाट इज मास ऑफ वाटर वेपर, तो ये हो जाएगा MV अपॉन MA इज इक्वल टू जो भी हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आई थी, कितनी आई थी 0.02852, तो ये हो जाएगा 0.02852। तो यहाँ पे MA की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से हम MV निकाल सकते हैं, MV कितना आ जाएगा 0.02852, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 20, ठीक है, 20.05 kg, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, अगर आपके पास 703 kg ऑफ एयर है, तो अगर आपके पास टोटल, तो अगर आपको टोटल एयर का मास, टोटल एयर आपको मास निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को प्लस कर देना पड़ेगा। तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो टोटल मास ऑफ एयर कितना आ जाएगा 723, यानी कि अगर आपके पास 723 kg एयर है तो उसमें 20 kg जो होगा वाटर वेपर होगी और 703 kg क्या होगा, ड्राई एयर होगा, ठीक है। इन दोनों को मिला के आपको क्या मिल जाएगा, टोटल मास ऑफ द एयर, ठीक है। बात समझ में आ गई, टोटल मास, टोटल जो एयर होती है उसमें कुछ पार्ट वाटर वेपर का होता है, कुछ पार्ट ड्राई एयर का होता है, ठीक है। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे हमारा जो मास ऑफ एयर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 703, और मास ऑफ वेपर आ जाएगा 20, ठीक है, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही था, फिर इसके बाद ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, नेम एनी 5 साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस, ठीक है, एंड रिप्रेजेंट्स ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट, ठीक है। तो ये आप कर भी लेंगे, ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको नाम बता देता हूँ। वैसे 5 साइकोमेट्रिक प्रोसेस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कूलिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है, हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग, ठीक है, और हमारी मिक्सिंग ऑफ एयर, ठीक है। तो ये सब हमारी साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस हैं, ठीक है। अब इनको आप साइकोमेट्रिक चार्ट पे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आप नोट कर लिया होगा, मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे हमारा ये साइकोमेट्रिक चार्ट है, ठीक है, ये साइकोमेट्रिक चार्ट है, मैं एक, तो ये टेम्परेचर होता है यहाँ पे, ये टेम्परेचर होता है, और ये हमारी क्या होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है, ओमेगा, ठीक है। सपोज हमें प्लॉट करना है कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, तो कूल हो रहा है और ह्यूमिडिफाई हो रहा है, तो किस तरह से मूव करेगा, इस तरह से, ठीक है। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है एयर में मॉइस्चर को इंक्रीज करना, एयर में मॉइस्चर इंक्रीज करना, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे प्लॉट करना हो कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, तो बेसिकली कैसे प्लॉट होगा, इस तरह से, ठीक है। कूल तो हो रहा है, देखिए टेम्परेचर तो कम हो रहा है, टेम्परेचर तो कम हो रहा है, लेकिन जो मॉइस्चर है वो भी एयर का कम हो रहा है, ठीक है। ऐसे अगर हमें हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन प्लॉट करना हो तो इस तरह से, ठीक है, और अगर हमें हीटिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन प्लॉट करना हो तो इस तरह से, ठीक है। तो आप ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, आपको कोई कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम में भी इस तरह के कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ओ हो जाएगा, ये 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। तो ओ से 1 जो है वो क्या है, कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन,
और ओ से टू जो है वो है कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन, ओ से थ्री जो है वो है हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, और ओ से फोर जो है वो है हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, ओके, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ओके, थैंक यू।